हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मापा जाता है और किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है सिंपल बैरोमीटर। ठीक है, सिंपल बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल पर मीजर करते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को हम मीजर करते हैं, ठीक है। यह जो है एक ग्लास ट्यूब का एक बना होता है जिसका डायमीटर 12.8 मीटर होता है, एमएम होता है, 12.8 mm होता है, और इसका जो लंबाई होता है लगभग 800 mm होता है, ठीक है। और इसमें पारा बराबर होता है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यह एक कोई बर्तन है, कोई वेसल है, ठीक है, जिसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है। और यह जो है एक ग्लास का ट्यूब है जिसका डायमीटर 12.8 mm है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है यहां से यहां तक वो है 800 mm लगभग, ठीक है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्यूब में हम पारा को, ठीक है, मरकरी को हम लेकर के भर लेंगे। भरने के बाद इस बर्तन में भरा हुआ पारा है उसमें हम उलट करके रख देंगे, ठीक है। अब ये जो पारा है इसमें से धीरे धीरे नीचे की ओर तब तक आता रहेगा जब तक कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस ना हो जाए। देखिए यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, ये जो फ्री सरफेस है यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, धीरे धीरे अगर मान लीजिए कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे इस ट्यूब के अंदर भरना शुरू कर देंगे। इस प्रेशर की ही वजह से इसमें भरना शुरू कर हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि ये एक एच हाइट तक इसमें भर जाएगा, एच हाइट तक उसमें मरकरी भर जाएगा, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसके एच के बराबर हो जाएगा तो अपने आप स्टेबल हो जाएगा, उस समय हाइट वेरी नहीं करेगा, ना ही बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना। इस एच को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखिए, हमको पता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो होता है वो होता है रो जी एच, ठीक है ना। मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 13600, हम 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगर जी का मान 10 मान लेना है और एच का मान जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए एच का मान लगभग कितना होगा, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको पता ही है कितना होता है। तो यहां से हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है, जैसे मान लीजिए 101.5 किलो पास्कल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 101.325 किलो पास्कल। जब इसको एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, एमएम में अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 760 एमएम ऑफ एच जी, ठीक है ना।
हाइट होगा वो कितना होगा 760 mm ऑफ एचडी होगा, ठीक है ना। और जो आप ये ऊपर देख रहे हैं ये वैक्यूम हो जाता है, यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं टॉरिसेली वैक्यूम, टॉरिसेली वैक्यूम। इसको टॉरिसेली वैक्यूम इसलिए कहा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मीजर करता है, वायुमंडलीय दाब को मीजर करता है, सबसे पहले टॉरिसेली नामक एक व्यक्ति ने इसको बनाया था, इस वजह से इस वैक्यूम का जो नाम रखा वो टॉरिसेली वैक्यूम रखा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो है यहाँ मरकरी की जगह हम वाटर को भी ले सकते हैं, पानी को भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो इसका डेंसिटी है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तब इसका जो हाइट कितना रहा है 760 mm आ रहा है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर मरकरी की जगह पानी का यूज करेंगे तो उसके लिए इस ग्लास ट्यूब का हाइट जो है ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा होगा तभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकता है, ठीक है। इससे संबंधित अगर आपको कुछ क्वेरी करना है तो हमारा जो मेल आईडी है वो नोट कर लीजिए 2255 नवीन kr@gmail.com, ठीक है। आप इस मेल आईडी पे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।